بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. आज आने वीडियो में 10th क्लास बायोलॉजी सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज, जो टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, जानवरन में गैसों की मटासटा पढ़ंदासीं. लाइक प्लांट्स एनिमल्स डू एक्सचेंज गैसेस विथ दियर एनवायरमेंट फॉर दी रेस्पिरेशन प्रोसेस. बूटन वांगर जानवर भी गैसों की मटासटा कंदा आहिनि पंहिंजे माहौल सां साह खण वारे अमल लाइ, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस लाइ. असां पहिरीं पढ़ियासीं त जेके बूटा आहिनि उन्हनि में बि गैसुनि जी एक्सचेंज थींदी आहे, गैसुनि जी मटासटा थींदी आहे फोटोसिंथेसिस ऐं रेस्पिरेशन प्रोसेस लाइ. अहिड़े तरीक़े सां एनिमल्स जेके आहिनि उन्हनि में रेस्पिरेशन थींदी आहे, असांजे साह खणण वारो अमल थींदो आहे, त उन लाइ गैसूं लाज़मी यानी घुरबल हूंदियूं आहिनि, त पोइ हू गैसुनि जी मटासटा कंदा आहिनि. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्राम फूड, एनर्जी खाधे मां हासिलु करण लाइ. दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, उहे ऑक्सीजन खणंदा आहिनि ऐं कार्बन डाइऑक्साइड कढंदा आहिनि. रेस्पिरेशन में छा थींदो आहे, ग्लूकोस खे टोड़ियो वेंदो आहे, ग्लूकोस यानी फूड उनखे टोड़ियो वेंदो आहे ऑक्सीजन जी मौजूदगीअ में, त तंहिं करे एनिमल्स जेके आहिनि उहे ऑक्सीजन टेकिन कंदा आहिनि, ऑक्सीजन खणंदा आहिनि फूड खे. पोइ फूड जेको आहे ऑक्सीजन जी मौजूदगी में टुटंदो ऐं नतीजे में असांखे एनर्जी मिलंदी आहे. एनर्जी सां गॾोगॾु गड़ असांखे कार्बन डाइऑक्साइड ऐं वाटर बि मिलंदो आहे. त हीअ छा कंदा आहिनि रेस्पिरेशन में, हीअ ऑक्सीजन खणंदा आहिनि ऐं कार्बन डाइऑक्साइड ॿाहिरि कढंदा आहिनि. सो द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज़ अल्टीमेटली लिंक्ड विथ दी रेस्पिरेशन. अहिड़ीअ तरह गैसुनि जी मटासटा जो तालुक़ु साह खणण वारे अमल सां मिले जुले थो. द रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर एक्वेटिक एनिमल्स इज़ वाटर, whereas for terrestrial animals is air. Respiratory medium यानी source जितों ही गैसूं खणनि था त उनखे असां रेस्पिरेटरी मीडियम था चऊं. जीअं पाणी आहे, जेके एक्वेटिक एनिमल्स यानी पाणी में रहंदड़ जेके जानवर आहिनि उहे पाणी मोई गैसुनि जी मटासटा कंदा, यानी जेको वाटर आहे इहो रेस्पिरेटरी मीडियम आहे जितों ही एक्वेटिक एनिमल्स गैसूं खणंदा. ऐं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी जेके खुश्की ते रहंदड़ ज़मीन ते रहंदड़ उहे जानवर छा कंदा, हवा मो गैसुनि जी मटासटा कंदा, यानी जेकी एयर आहे इहो रेस्पिरेटरी मीडियम आहे हिन लाइ टेरेस्ट्रियल एनिमल लाइ. ऐं एक्वेटिक एनिमल्स लाइ जेको रेस्पिरेटरी मीडियम आहे उहो वाटर आहे. द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेज़ेंट इन एयर इज़ अबाउट 21%. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो जेको मक़दार एयर में मौजूदु हूंदो आहे उहो 21% हूंदो आहे. वाइल इन वाटर इट इज़ अबाउट 5%, पाणी में 5% हूंदो आहे. इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस, गैसुनि जी मटासटा करण लाइ एनिमल हैव रेस्पिरेटरी सर्फेस, एनिमल छा हूंदा आहिनि रेस्पिरेटरी सर्फेस हूंदा आहिनि. रेस्पिरेटरी मीडियम यानी जितां हू गैसुनि जी मटासटा कनि था, जितां गैसूं खणनि था, गैसुनि जो सोर्स ज़रियो. रेस्पिरेटरी सर्फेस यानी जंहिं सर्फेस जे ज़रिए गैसुनि जी मटासटा कनि, जंहिं शइ जे ज़रिए हू गैसुनि जी मटासटा कनि, त उनखे असां रेस्पिरेटरी सर्फेस चवंदासीं. जीअं इंसान में मौजूदु फिफड़नि में अंदरि अलियूं लाइ स्ट्रक्चर्स हूंदियूं आहिनि, हीअ रेस्पिरेटरी सर्फेस वांगुरु कमु कंदियूं आहिनि. यानी हिननि जे ज़रिए गैसुनि जी छा थींदी आहे, मटासटा थींदी आहे. अलियूं लाइ जेके मौजूदु हूंदा आहिनि असांजी बॉडी में, इहे रेस्पिरेटरी सर्फेस आहिनि, इन्हनि जे ज़रिए गैसुनि जी मटासटा थींदी आहे. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स लाइक प्रोटोज़ोआ द प्लाज़्मा मेम्ब्रेन सर्व एज रेस्पिरेटरी सर्फेस. यूनिसेल्युलर जानदार यानी हिकु सेल वारा जानदार जीअं प्रोटोज़ोआ या जेके बैक्टेरिया आहिनि उन्हनि में प्लाज़्मा मेम्ब्रेन आहे, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन यानी सेल जी मेम्ब्रेन उहा रेस्पिरेटरी सर्फेस वांगुरु कमु कंदी आहे. उन्हनि जे ज़रिए इन्हनि में अंदरि गैसुनि जी मटासटा थींदी आहे, यानी इन सर्फेस जे ज़रिए रेस्पिरेटरी सर्फेस जे ज़रिए अंदरि गैसुनि जी मटासटा थींदी आहे. गैसूं अंदरि दाख़िल थींदियूं आहिनि ऐं गैसूं ॿाहिरि वेंदियूं आहिनि. इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स घणनि सेलनि वारनि जानवरनि में देयर बॉडी सर्फेस आर सम इंटरनल सर्फेस कुड सर्व एज रेस्पिरेटरी सर्फेस. बॉडी सर्फेस जीअं अर्थोम असां ॾिसूं, अर्थोम जेकी ॿाहिरी ॿाहिरी स्किन हूंदी आहे, चमड़ी हूंदी आहे, अर्थोम जेकी कीड़ा आहिनि उनजी चमड़ी आहे उहा
रिस्पायरेटरी सर्फेस हूँ इन जो यानी उन उन जरिए गैसों की मटासटा कह अड़े तरीके से वो बया एनिमल्स ऐसा थी उनमें अंदर इंटरनल सर्फेस हूँ जैसे रेस्पायरेटरी सर्फेस वागर कम कह जी असा में मौजूद फिफड़ फिफड़न में अंदर नड़ी स्ट्रक्चर्स एल्यूविलाय इंटरनल सर्फेस यानी इंटरनल रेस्पायरेटरी सर्फेस जैसे जानदार में अंदर मौजूद हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पायरेटरी सर्फेस, रेस्पायरेटरी सर्फेस जो खासियतूँ, नंबर वन है थिन रेस्पायरेटरी सर्फेस, सनो हों तो जी गैसूँ तकड़े उ क्रॉस थन्द। नंबर टू वेट यानी घिमियल मॉइस्ट रेस्पायरेटरी सर्फेस, घिमियल हों तो उन गैसूँ तकड़े डिजोल्व थन्द। नंबर थ्री परमिएबल रेस्पायरेटरी सर्फेस, परमिएबल परमिएबल यानी जो शुन के दाखिल करण में अलो दी यानी इजाजत दी। नंबर फोर लार्ज इन रिलेशन टू वॉल्यूम ऑफ दी बॉडी, रेस्पायरेटरी सर्फेस है उनको वॉल्यूम वो हों हों उन जानदार की बॉडी का जी अस इंसान में ऐसा असा इंसान में लंग्स मौजूद हैं, लंग्स में अंदर अल्यूविलाय हों ये रेस्पायरेटरी सर्फेस वागे कम कह ये जैसे अस रेस्पायरेटरी सर्फेस यानी अल्यूविलाय के खोलूँ ये असि बॉडी का जो वॉल्यूम है वो वी दफा वी टाइम्स है या वो है इंसानी बॉडी का। लार्ज सर्फेस एरिया इंक्रीज एंड इंक्रीज सर्फेस फॉर गैसेस एक्सचेंज अलोज अ फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन जो मकसद यो है जैसे सर्फेस एरिया वो हों तो उनमें गैसों की मटासटा थी। फर्ज क्यों ही रेस्पायरेटरी सर्फेस है यानी सर्फेस है जिथे गैसों की मटासटा थे थी। सो इतों गैसों दाखिल थन थी, जगह तो गैसों दाखिल थन थी, इन जगह तो गैसों दाखिल थन थी। अड़े तरीके से हि भी रेस्पायरेटरी सर्फेस है पर अस इन बिन में ऐसा तो रेस्पायरेटरी सर्फेस वो कड़ो आ साइज में वो कड़ो आ मुख्य बुधा जी गैसेस एक्सचेंज यानी गैसों की मटासटा वध में घड़ी किथे थी इन जगह से थी ये गाल कर जैसे रेस्पायरेटरी जो सर्फेस है वो वो हों तो जो रेट हों गैसेस की डिफ्यूजन जो वो यानी ऑक्सीजन इंदी और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव थी। ही वो असो लेक्चर जो अस इन वीडियो में डिस्कस किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन में पढ़ासी।